फ्रेंड्स नमस्कार, मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हेमलता, जून फिजियोथेरेपी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे। ये एक्सरसाइजेस शोल्डर ज्वाइंट में लगी कोई चोट, पार्शियल रोटेटर कफ इंजरी, शोल्डर ज्वाइंट में टेंडन, मसल्स या लिगामेंट इंजरी होने पर सर्जरी होने के बाद हाथ की मूवमेंट वापस लाने में बहुत हेल्पफुल होती हैं। इस वीडियो में आप हमारी एक पेशेंट मीरा श्रीवास्तव जी से मिलेंगे, जिनको पार्शियल रोटेटर कफ टियर हुआ है और उनकी शोल्डर ज्वाइंट की एक्सरसाइजेस कुछ टाइम के रेस्ट के बाद स्टार्ट हुई है। रोटेटर कफ इंजरी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं शोल्डर ज्वाइंट बेसिक एक्सरसाइजेस। आप इस तरह से दीवार पे हाथ रखेंगे, उसको धीरे 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 ऊपर बढ़ाएंगे, ऐसे करके लेते जाइए, धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, ऊपर बढ़ाते जाइएगा। यस, वापस आइए आप नीचे। हाँ, धीरे धीरे वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए। आपने दीवार के सहारे ही करना है, वरना झटका लगेगा और इसमें और इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपने अपने हाथ की मूवमेंट भी शुरू कर देनी है और इंजरी से भी अपने हाथ को बचाना है। आप ये शुरू में 10-10 बार कीजिए और दिन में 4-5 बार रिपीट कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे आप 20-30 बार ये रिपीटेशन कीजिए और दिन में वही 4-5 बार इन रिपीटेशंस को कीजिए। फ्रेंड्स, रोटेटर कफ इंजरी में हाथ जाम नहीं होता है, लेकिन अपने आप से ऊपर भी नहीं उठता है। हाथ को सहारा देकर इस तरह से ऊपर उठाना पड़ता है। कीजिए, आपने हाथ को ऊपर ले जाके घुमाना है, हाथ को ऊपर ले जाके घुमाना है। यस, इस तरह से अपने सिर से ऊपर आप अपने हाथ को लेके गए हैं। यस, इस तरह से जो भी आपसे धीरे धीरे हो सके, जहां तक भी आपका हाथ आगे पीछे जा सकता है, ऐसे करके आप अपने हाथ को घुमाइए। ये बात बहुत बढ़िया, कोशिश कीजिए। अगर नीचे आ सकता है तो नीचे लाइए, अदरवाइज ऊपर ऊपर घुमाइए। धीरे धीरे अपने आप नीचे आने लगेगा आपका हाथ। शुरू शुरू में हाँ नीचे आएगा तो फिर ऊपर उठने में दिक्कत होगी, इसलिए आप ज़्यादा नीचे नहीं लेके आइएगा। धीरे धीरे इसके अंदर रिपेयर होने लगेगा आपका टेंडन, तो अपने आप नीचे भी आने लगेगा और ऊपर भी अच्छे से जाने लगेगा। लेकिन शुरुआत में आपने इसको नीचे नहीं लेके आना, यहाँ तक लेके आइए, बस बस रोक दीजिए, फिर ऊपर जाइए, वापस आइए, यहीं तक लाइए, बस बस रोक दीजिए, ऊपर जाइए। शुरुआत में आपने एक बार में 10 रिपीटेशंस करने हैं और दिन में 4-5 बार आपने अपनी दीवार के साथ हाथ को घिसड़ाते हुए ये एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद आप 20-30 बार एक बार में इस एक्सरसाइज को करेंगे और दिन में वही 4-5 बार रिपीट करेंगे। धीरे धीरे आपका हाथ ऊपर की तरफ उठने लगेगा। बहुत अच्छा। आपको एक्सरसाइज करते हुए अभी कितने दिन हो गए हैं? 10 दिन हो गए। तो हाथ में क्या इम्प्रूवमेंट आपको लगता है? अभी उठा के दिखाइए, जाइए वापस, जाइए नीचे। झटके के साथ आपने नीचे नहीं छोड़ना और आपने इस तरफ को झुकना नहीं है। आप अपने नहीं नहीं आप अपने लेफ्ट कंधे की तरफ झुक रहे हैं, आपको बिल्कुल सीधे बैठना है। ऐसे करके आप बिल्कुल सीधे बैठिए, बिल्कुल सीधे। अब उठाइए हाथ को, ये बात, ऐसे वापस जाइए धीरे धीरे। बहुत अच्छा। पहले कहाँ तक उठ रहा था आपका हाथ? इतना उठ रहा था, अब कितना उठ रहा है? वाओ, नाइस इम्प्रूवमेंट। बस आप ट्रिक मूवमेंट्स मत कीजिएगा। ट्रिक मूवमेंट्स होती हैं आपका इस साइड में झुकना, लेफ्ट साइड में कंधे का झुका लेना। आपको दिखेगी मूवमेंट, लेकिन एक्चुअल मूवमेंट होगी नहीं। वेरी नाइस। अब अगले 10 दिन में आपको क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी हैं, अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब
अपने हाथ को अपने सिर के लेवल पे ऊपर उठाना है। उठाइए, कोशिश कीजिए। आपके सिर के लेवल पे हमने एक टारगेट सेट कर दिया है, ये वाला टारगेट, इस तरह से बिल्कुल आपके सिर के लेवल पे है। तो इसको उठाने की कोशिश करो, ये बात, इसको छू और वापस नीचे आओ। यस, वापस नीचे, धीरे धीरे, झटका नहीं आने देना। आपने उठाइए, बहुत अच्छा, वापस आइए। हाँ, उठाइए, वापस आइए, बहुत अच्छा। ऐसे करके शुरुआत में आपने 10 बार रिपीट करना है, उसके बाद 20, 30, 40, 50, जो भी आपसे बन पाए उस तरह से आगे बढ़ना है आपने। और दिन में कई बार रिपीट करें। घर में आप खाली होते हैं तो इस एक्सरसाइज को जरूर से जरूर करें। देखिए, हाथ करते 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 आपका हाथ और ऊपर पहुंच गया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आंटी, और ऊपर उठा सकते हैं? उठा के दिखाइए, अगर आप अपने सिर से और ऊपर उठा सकते हैं तो बहुत बढ़िया, और लेते जाइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कोशिश है। बस गिराना झटके के साथ नहीं है आपने, बहुत अच्छा। आइए नीचे, हाथ नीचे लेकर आते हुए अगर एकदम से हाथ में झटका लगता है तो आप दीवार का सहारा लेकर नीचे आइए। यस, जाइए जाइए जाइए, बहुत बढ़िया। बस देखिए आपका सिर से कितना ऊपर चला गया ये प्रैक्टिस करते करते। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। ऐसे करके आप इनको भी 20 से 30 बार कम से कम एक बार में कीजिए, और दिन में 5 से 6 बार रिपीट कीजिए। अब आपका हाथ अच्छे से ऊपर उठने लगा, आपके सिर के लेवल से ऊपर जाने लगा है, तो हमने इसमें और स्ट्रेंथ बढ़ानी है। तो आपके हाथ में ये 1 kg वेट, कफ वेट हमने लगाया है। इस तरह से आपने घर में भी कोई अरेंजमेंट करनी है वेट की, ऐसे हाथ पे बांध लीजिए और अपने हाथ को फिर से उसी टारगेट पे ऊपर उठाइए। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपका झटके के साथ हाथ नीचे ना आए। कीजिए शुरू। यस, कोशिश करो, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आइए 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 नीचे, ये बात। हाँ, आप ऐसे दीवार के साथ घिसड़ाते हुए आ सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कोशिश है, बस झटका नहीं आने देना, आराम से करना है। एक्सेलेंट इम्प्रूवमेंट, एक्सेलेंट इम्प्रूवमेंट। बहुत बढ़िया कोशिश है आपकी, बहुत अच्छी कोशिश है। आपने तो 20-25 दिन में गजब कर दिया। आप घर पे बहुत मेहनत करती हैं? कितनी बार रिपीट करते हैं दिन में? 5 से 6 बार कर लेते हैं? 5-6 बार लगा रहता है। अरे बहुत अच्छा, जब भी आपको टाइम मिले तभी आप कीजिए ये एक्सरसाइज, थकान होने तक कीजिए, आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये पूरी तरह से रिकवर होने में लगभग 15-20 दिन और लेगा आपका, तो आप रिकवर हो जाएंगे बहुत अच्छे से। फ्रेंड्स, ये थी कुछ एक्सरसाइजेस पार्शियल रोटेटर कफ टीयर की, बेसिक एक्सरसाइजेस मूवमेंट को इनिशिएट करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर रोटेटर कफ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।